नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुंबई की खराब सड़कों का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में उठा। अदालत ने बीएमसी आयुक्त इकबाल चहल को अगले सप्ताह किसी दिन अदालत आने का निर्देश दिया है, तो बीजेपी ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा कि उद्धव पूरी तरह से हताश और निराश है। वहीं महाराष्ट्र के करीब 56 शहरों में मुस्लिमों का सर्वेक्षण होने की खबर सामने आ रही है। खबर है कि जल्दी ही मुस्लिम समुदायों के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी। तो उधर मुंबई पुलिस का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी उन्हें सैल्यूट करे बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि बैंक के जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की राशि का क्लेम कर सकते हैं। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एशिया के 2 सबसे रईस अरबपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ने आपस में नो पोचिंग एग्रीमेंट किया है। इसके तहत अडानी समूह के कर्मचारी न तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में नौकरी कर सकेंगे और न ही मुकेश अंबानी की कंपनी में काम कर चुके कर्मचारियों को अडानी समूह हायर करेगी। ये एग्रीमेंट इस साल मई से लागू है और दोनों कंपनियों से जुड़े सभी कारोबार के लिए है। बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी समूह या रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से अब तक इस एग्रीमेंट से जुड़े सवाल के जवाब नहीं दिए गए हैं। नो पोचिंग एग्रीमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि अब अडानी समूह उन कारोबार में एंट्री कर रहा है जहां पहले से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का दबदबा है। पिछले साल अडानी समूह ने अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में प्रवेश का ऐलान किया। इस सेक्टर में रिलायंस की सबसे बड़ी उपस्थिति है। वहीं टेलीकॉम में भी अडानी समूह ने एंट्री के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। हाल ही में अडानी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है। वहीं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अडानी और अंबानी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनते दिख रहे हैं। इसी तरह मीडिया में भी मुकेश अंबानी के बाद अब अडानी समूह ने एंट्री की है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच एग्रीमेंट की वजह से लाखों कर्मचारियों के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। रिलायंस के 3,80,000 से ज्यादा कर्मचारी है। वहीं अडानी समूह के भी हजारों कर्मचारी मुकेश अंबानी की किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर पाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की बात मान चुके हैं, लेकिन अब भी राजस्थान को लेकर उनका मोह छूट नहीं रहा है। राहुल गांधी की ओर से एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर अड़िग रहने की बात से अशोक गहलोत बैकफुट पर जरूर आए हैं, लेकिन वो सचिन पायलट को सीएम बनने से रोकने के लिए पूरी फील्डिंग सजा रहे हैं। चर्चाएं हैं कि उन्होंने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का नाम अपनी जगह सीएम के तौर पर सोनिया गांधी को सुझाया है। हालांकि इसके अलावा भी उनके पास ऐसे कई नाम हैं जिन्हें आगे बढ़ाकर वो पायलट की उड़ान रोक सकते हैं। इन नामों में रघु शर्मा और बीडी कल्ला का भी जिक्र हो रहा है। ये दोनों नेता भी सीपी जोशी की तरह ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और गहलोत गुट के प्रभावशाली लीडर्स में से है। इन नेताओं के अलावा शांतिलाल धारीवाल का नाम भी चर्चा में है, जो वैश्य समुदाय से आते हैं। शांतिलाल धारीवाल अशोक गहलोत के करीबी है और प्रभावशाली नेता है। प्रदेश की राजनीति में धारीवाल अच्छी पकड़ रखते हैं और उनके जरिए अशोक गहलोत राजस्थान में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहेंगे। हालांकि राजस्थान कांग्रेस में अंदर खाने परसादी लाल मीणा के नाम की भी चर्चाएं चल रही है। इसकी वजह यह है कि राजस्थान में एसटी समुदाय की 13% आबादी है, जो दलितों के बाद दूसरा सबसे बड़ा मतदाता समूह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि अर्बन नक्सल और राजनीतिक समर्थन वाले विकास विरोधी तत्वों ने गुजरात में कई सालों तक नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोक कर रखा। पीएम मोदी ने कहा कि पर्यावरण के नाम पर ऐसा किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस काम की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसे उन्होंने पूरा किया। नर्मदा जिले के एकता नगर में जुटे देश के अलग अलग राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों से पीएम मोदी ने बताया कि कैसे पर्यावरण की आड़ लेकर देश में विकास के कामों को रोकने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना देश का विकास, देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास सफल नहीं हो सकता, लेकिन हमने देखा है कि पर्यावरण मंजूरी के नाम पर देश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था, कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने सरदार सरोवर डैम को रोक कर रखा था। आपने यहाँ बड़ा जलाशय देखा होगा, इसका शिलान्यास आजादी के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, झूठा प्रचार किया, अभियान चलाया कि ये पर्यावरण विरोधी है, बार बार उसे रोका गया। जिस काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो पूरा हुआ मेरे आने के बाद। देश का कितना पैसा बर्बाद हो गया।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हुई कार्रवाई में विरोध में आज केरल बंद का ऐलान किया गया है। इस दौरान राज्य से जमकर हिंसा की खबरें सामने आई है। खबर है कि कोलम में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम समेत कई शहरों में हिंसा और तोड़फोड़ की गई है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल का ऐलान के बाद केरल पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। केरल में NIA रेड का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया है। खबर है कि तिरुवनंतपुरम, कोलम, पाथनमिट्टा, अलपुज्जा, एर्नाकुलम, कोझिकोड और वायनाड में KSRT बसों में तोड़फोड़ की गई। वहीं वायनाड में यातायात रोकने के लिए टायरों में आग लगा दी गई। केरल के कई शहरों में वाहनों पर पत्थर फेंके जाने की खबरें भी सामने आई है। कोझिकोड में एक 15 वर्षीय बच्ची पत्थरबाजी के बीच मामूली रूप से घायल हो गई है। इधर कन्नूर में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर घायल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कन्नूर के नारायणपारा में अखबार बांटने जा रहे वाहन पर पेट्रोल बम फेंका गया। कोयम्बटूर में ज्वलनशील पदार्थ से भरी बोतल को भाजपा कार्यालय पर फेंका गया। पार्टी के एक नेता ने बताया, पेट्रोल बम हमारे कार्यालय पर फेंका गया था। इसी तरह आतंकी हमले होते हैं। आज कई जगहों पर छापामार कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के होटल स्वर्ण टावर में शाकाहारी डॉक्टरों को भी मांसाहारी सूप दे दिया गया। बुधवार रात यूरोलॉजी सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर भोजन के लिए पहुंचे थे। अन्य सभी खाद्यों पर मांसाहार और शाकाहार की स्लिप लगी थी, लेकिन सूप की पहचान इंगित नहीं होने से डॉक्टर इसे पीते रहे। स्वाद में शंका होने पर पूछताछ में पता चला कि वेटर मोहम्मद आलम के कारण ऐसा हुआ। हंगामा हुआ तो होटल प्रबंधन ने लिखित रूप से माफी मांगते हुए वेटर पर कार्रवाई की बात कही है। दोनों ओर से यह प्रकरण समाप्त कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर की आपत्ति वाला वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल होटल स्वर्ण टावर में बरेली यूरोलॉजिकल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस थी। इसमें दिल्ली से डॉक्टर विपिन त्यागी समेत कुछ अतिथि भी आए थे। रात को कॉन्फ्रेंस के बाद भोजन की बारी आई। पीलीभीत रोड स्थित एपेक्स अस्पताल के डॉक्टर मयंक रस्तोगी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में उपस्थित करीब 15 चिकित्सकों को सूप दिया गया। अन्य स्टॉल पर मांसाहार और शाकाहार की स्लिप लगी थी, लेकिन सूप के स्टॉल पर ऐसा नहीं होने के कारण सभी इसे शाकाहारी समझकर पीते रहे। कुछ डॉक्टरों की शंका पर भोजन प्रबंध करने वाले वेटर मोहम्मद आलम से पूछा तो उसने बताया कि सूप मांसाहारी है। उसकी लापरवाही के कारण करीब 7 शाकाहारी डॉक्टर भी मांसाहारी सूप पी गए। एशिया के 2 सबसे रईस अरबपति गौतम अडानी और मुकेश अम्बानी ने आपस में नो पोचिंग एग्रीमेंट किया है। राहुल गांधी की ओर से एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर अड़िग रहने की बात से अशोक गहलोत बैकफुट पर जरूर आए हैं, लेकिन वो सचिन पायलट को CM बनने से रोकने के लिए पूरी फील्डिंग सजा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि अर्बन नक्सल और राजनीतिक समर्थन वाले विकास विरोधी तत्वों ने गुजरात में कई सालों तक नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोक कर रखा। तो उधर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में आज केरल बंद का ऐलान किया गया है। इस दौरान राज्य से जमकर हिंसा की खबरें सामने आई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के होटल स्वर्ण टावर में शाकाहारी डॉक्टरों को भी मांसाहारी सूप दे दिया गया। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मॉनसून में मुंबई सहित राज्य भर में खराब सड़कों से लोग त्रस्त है। पैदल चलने वाले ही नहीं, वाहनों से आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुंबई की खराब सड़कों का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में उठा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने खराब सड़कों को लेकर BMC आयुक्त इकबाल चहल को अगले सप्ताह किसी दिन अदालत आने का निर्देश दिया। पीठ मुंबई और राज्य के अन्य स्थानों पर सड़कों की हालत पर और गड्ढों वाली सड़कों के कारण होने वाली मौत के बढ़ते मामलों के संबंध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान पीठ ने कहा कि BMC आर्थिक रूप से संपन्न है, उसे जनता की भलाई के लिए पैसा खर्च करना चाहिए और शहर में गड्ढों वाली सड़कों को लेकर नागरिकों के लिए कुछ करना चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि जब वो 2020 में मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति के बाद यहां आए थे तो उन्होंने ऐसे ही मुद्दों पर एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। उस समय मैंने ये कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया था कि मुंबई की सड़कों की स्थिति कोलकाता से बेहतर है, लेकिन अब 2 साल की अवधि में हालात बदल गए हैं। मैं अन्य नागरिकों की तरह महसूस कर रहा हूँ। यही नहीं कह सकता कि मेरे घर के बाहर की सड़क सही करिए, ये उचित नहीं होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि BMC कमिश्नर आए और कहे कि हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि ये इतने दिनों में हो जाएगा। BJP ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक से उद्धव को जवाब दिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव पूरी तरह से हताश और निराश है। उन्होंने ठाकरे से पूछा कि क्या BJP से गठबंधन तोड़ने के बाद उनके विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया था।
गठबंधन तोड़ने के बाद नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए था, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे, फिर हमारा साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, किसने किसके पीठ में छुरा घोंपा, फिर चुनाव याद नहीं आया। याद रहे गोरेगांव में गट प्रमुखों को संबोधित करते हुए उद्धव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अन्य नेताओं पर हमला बोला था। शिंदे सरकार को अवैध बताते हुए इस्तीफे की मांग की थी, साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग की थी। उद्धव ने रैली में कहा था कि फडणवीस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो बीएमसी का चुनाव अपना आखिरी चुनाव समझकर लड़े। मैं आपसे कहता हूं कि आप ये अपना पहला चुनाव समझकर लड़े, जहां खोने को कुछ नहीं है। इस तरह से बीजेपी को धूल चटाए कि ये फडणवीस का आखिरी चुनाव बने। इस पर फडणवीस ने जवाब दिया, आपने 2019 में ही मुझे खत्म करने की कोशिश की, तीनों मिलकर पिछले 2.5 साल में मुझे खत्म करने की कोशिश करते रहे लेकिन खत्म नहीं कर पाए, आगे भी आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। महाराष्ट्र के करीब 56 शहरों में मुस्लिमों का सर्वेक्षण होने की खबर सामने आ रही है। खबर है कि जल्द ही मुस्लिम समुदायों के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी। मुस्लिम रिजर्वेशन कैंसिल करने वाली शिंदे फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के इन शहरों में मुस्लिम सर्वेक्षण किए जाने का फैसला किया है। 9 सालों से सर्वेक्षण की ये प्रोसेस लटका हुआ है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वेक्षण जारी है, हालांकि ऐसे किसी फैसले से राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इनकार किया है। बता दें कि महाराष्ट्र के जिन 56 शहरों में सर्वेक्षण होने वाला है उनमें सोलापुर, औरंगाबाद और नांदेड़ जैसे शहर होंगे। मुस्लिमों की बस्ती और मोहल्ले कैसे हैं, उनमें लोगों को सुविधाएं कैसे पहुंच रही है, उनमें शिक्षा का प्रसार किस हद तक हुआ है, स्वास्थ्य, रोजगार, बैंक और फाइनेंशियल सपोर्ट, सरकारी योजनाओं का फायदे कैसे मिल रहा है, इन सबसे जुड़े डेटा कलेक्ट किए जाएंगे। महाराष्ट्र में साल 2013 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, तब मोहम्मद उर रहमान के नेतृत्व में मुस्लिम समुदायों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इसी समिति ने अपनी रिपोर्ट में मुस्लिम आबादी के सर्वेक्षण की राय सामने रखी थी। पिछले एक दशक से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। 3 महीने पहले आई सरकार अब ये काम करने जा रही है। महाराष्ट्र की कुल मुस्लिम आबादी की 21.6% आबादी मुंबई में रहती है। सरकारी सेवाओं में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 11% है। 70% मुस्लिम किसी न किसी कौशल में विशेषज्ञ है। मुंबई पुलिस यातायात से जुड़े नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करती रहती है। इसके लिए कई बार वे कई अनोखे और शानदार तरीकों से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी उन्हें सैल्यूट करे बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे। इस शानदार वीडियो को मुंबई पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो को देखकर इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। यूजर्स उस ट्रैफिक पुलिस की दरियादिली की काफी तारीफ कर रहे हैं। कोई उसे सैल्यूट कर रहा है तो कोई उसे रियल हीरो बता रहा है। इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जिनमें पुलिस वालों को आम जनता की मदद करते हुए देखा जाता है। ऐसा ही एक वीडियो मुंबई पुलिस का भी सामने आया है, जिसमें एक पुलिस वाले व्हीलचेयर पर बैठे कई दिव्यांग लोगों की हेल्प करते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले बिजी सड़क पर व्हीलचेयर पर बैठे कई दिव्यांग एक दूसरे से अलग हो गए। इनको अलग होता देख पुलिसकर्मी ने तुरंत ट्रैफिक को एडजस्ट करते हुए उनकी चेन वापस जोड़ी और उन्हें सड़क पार करवाने में मदद की। मुंबई पुलिसकर्मी ने कुछ विकलांग लोगों की मदद की, जो अपने क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत के बाद घर जाने के लिए सड़क पार कर रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र लक्ष्मी को ऑपरेटिव बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि बैंक के जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की राशि का क्लेम कर सकते हैं। कुछ समय पहले आरबीआई ने रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था। आरबीआई ने अपने नोटिस में बताया था कि बैंक की वित्तीय हालात ठीक नहीं है, ऐसे में 22 सितंबर से बैंक को अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। जिन ग्राहकों ने महाराष्ट्र लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक में पैसा सेविंग करके रखा है, उन्हें 5 लाख रुपए के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर दिया जाता है। ये इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की तरफ से दी जा रही है। बता दें कि DICGC रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी है, जो सहकारी बैंकों के कस्टमर्स को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में ग्राहकों को 5 लाख रुपए के जमा पर इंश्योरेंस क्लेम के तहत पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन जिन ग्राहकों ने बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा सेव करके रखा है उन्हें पूरा पैसा वापस नहीं मिल सकेगा, उन्हें भी अधिकतम 5 लाख रुपए की ही भरपाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों में कई सहकारी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था।
आरबीआई ने पिछले महीने ही अगस्त में पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया था। आरबीआई के इस फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी। पुणे का ये रूपी बैंक 110 साल पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने ब्रिटेन की यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर होने के आसार है। तो 4 साल पहले महिलाओं को कार चलाने की अनुमति देकर ऐतिहासिक कदम उठाने वाला सऊदी अरब अब पहली बार महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं पीएम मोदी 27 सितंबर को जापान की यात्रा पर जाएंगे। यहां वो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। तो उधर सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान का भारत प्रेम बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से उन्होंने भारत की तारीफ की है। इसी के साथ ही वो पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए हैं। इसी बीच सऊदी सरकार की एक बड़ी लॉटरी निकल पड़ी है, क्योंकि उनके पवित्र शहर में सोने और तांबे का नया भंडार मिला है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने ब्रिटेन की यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर होने के आसार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता को लेकर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। ज्यादातर बातों पर सहमति बन गई है और बचे हुए कुछ मामलों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। माना जा रहा है कि दिवाली तक सहमति अपने अंतिम चरण में होगा, जो कि 24 अक्टूबर को सेलिब्रिटी की जानी है। एक अधिकारी ने बताया कि पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे की जानकारी अक्टूबर के पहले हफ्ते में सार्वजनिक की जा सकती है। ये यात्रा दिवाली के आसपास ही होने के आसार है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने हाल ही में कहा था कि दिवाली का त्यौहार मनाने का सबसे अच्छा तरीका एफटीए को पूरा करना होगा। देशों के बीच एफटीए समझौता होने से न सिर्फ आर्थिक वृद्धि को रफ्तार मिलेगी, बल्कि रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। इस समझौते से कपड़ा, चमड़ा, आभूषण व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जैसे श्रम बाहुल्य क्षेत्रों में भारत के निर्यात को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मालूम हो कि मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच अधिकांश उत्पादों और सेवाओं का व्यापार लगभग निशुल्क हो जाएगा। सऊदी अरब की महिलाएं भी अब पुरुषों के साथ अंतरिक्ष में भेजी जाएंगी। 4 साल पहले महिलाओं को कार चलाने की अनुमति देकर ऐतिहासिक कदम उठाने वाला सऊदी अरब अब पहली महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस देश ने पहला अंतरिक्ष यात्री प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सऊदी सक्षम कर्मियों को लंबी और छोटी अवधि के अंतरिक्ष उड़ाने शुरू करने के लिए प्रशिक्षित करना है। ये उसके महत्वाकांक्षी विजन 2030 का हिस्सा है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष से मानवता की सेवा करना है। अगले कुछ महीनों में अरब देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष रणनीति बनाने की तैयारी कर रहा है, जो अंतरिक्ष प्रोग्राम में की गई पहल को दिखाएगा। इस देश ने इस साल के शुरुआत में ह्यूस्टन के एस्टियोम स्पेस के साथ निजी तौर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए अमरीकी अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष में निजी मिशन की शुरुआत हो सकेगी। डील के अनुसार 2 सऊदी अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल की सवारी अगले साल की शुरुआत में लगभग 1 सप्ताह तक अंतरिक्ष स्टेशन पर करेंगे। किसी निजी अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाले ये अपने देश के पहले व्यक्ति होंगे। हालांकि यूएई चंद्रमा के चारों ओर अपने सफल मिशन के साथ एक कदम आगे है। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर चंद्रमा के लिए एक रोवर राशिद को लॉन्च कर रहा है। पीएम मोदी 27 सितंबर को जापान की यात्रा पर जाएंगे। यहां वो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। 8 जुलाई को एक चुनावी सभा में उन पर एक शख्स ने पीछे से गोली चला दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कई अन्य विश्व नेता शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में 6,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान पीएम मोदी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में बताया कि शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम है और ये मित्र देश में है। उन्होंने कहा कि ये काफी अच्छा है कि पीएम मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर वहां जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी और आबे के बीच काफी निकटता रही थी। आबे के निधन पर शोक प्रकट करते हुए मोदी ने उन्हें प्रिय मित्र से संबोधित किया था और कहा था कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ने दुनिया को बेहतर स्थान बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। शिंजो आबे भी मोदी को अपना बेहद गहरा मित्र मानते थे और कई मामलों में तो वो सलाह भी लिया करते थे। सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान का भारत प्रेम बढ़ता जा रहा है।
एक बार फिर से उन्होंने भारत की तारीफ की है। इसी के साथ ही वो पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में इमरान खान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसमें जहां इमरान खान अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्ट बता रहे हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। इमरान खान ने भ्रष्टाचार के मामले का जिक्र किया और पीएम मोदी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एनके सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच तुलना कर डाली। इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व पीएम इमरान ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया है और पाकिस्तान के बाहर की उनकी संपत्ति को गिनवाया है। वीडियो में इमरान खान कहते हैं कि नवाज के अलावा दुनिया में कोई दूसरा नेता नहीं है जिसके पास अरबों की संपत्ति होगी। मुझे एक देश का नाम बताइए जिसके नेता के पास देश के बाहर अरबों की संपत्ति है। हमारे पड़ोसी देश को हिले, प्रधानमंत्री मोदी की भारत से बाहर कितनी संपत्ति है। इससे पहले अप्रैल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख ने भारत की सराहना की थी और खुददार देश बताया था। उन्होंने कहा था कि अभी ऐसा कोई सुपर पावर नहीं है जो पड़ोसी देश पर शासन कर सके। इमरान ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ आज़ादी मिली थी, लेकिन इस्लामाबाद का इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह होता रहा और फिर से निकाल कर फेंक दिया गया। सऊदी अरब में क्रूड ऑयल का भंडार तो पहले से ही था, जिस वजह से वहां तेजी से विकास हो रहा है। इस बीच सऊदी सरकार की एक बड़ी लॉटरी निकल पड़ी है क्योंकि उसके पवित्र शहर में सोने और तांबे का नया भंडार मिला है। सऊदी अरब के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने अभी कुछ दिनों पहले ट्वीट कर इसके मिलने का ऐलान किया। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग को पवित्र शहर मदीना में खनिज का पता चला है। जांच करने पर वहां सोने और तांबे के अयस्क मिले। ये खनन साइटें अबा अल रहा, उम्म अल बराक शिल, हिजाज की सीमाओं पर मौजूद है। विभाग के मुताबिक इन इलाकों में खनिज थे, लेकिन सोने की काफी ज्यादा कमी थी। ऐसे में अब ये खोज मदीना के साथ सऊदी अरब के लिए भी काफी लाभकारी साबित होगी। मदीना पहले से ही प्रसिद्ध शहर है, लेकिन सोने की खोज वहां की तस्वीर बदल देगी। सरकार अब खनन की तैयारी में लगी हुई है। सरकार को उम्मीद है कि खनन शुरू होने के बाद नए निवेशक भी वहां का रुख करेंगे, जिस वजह से रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। सिर्फ इसी खोज के आधार पर वहां पर 4000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अगर अरब देशों की बात की जाए तो सऊदी सोने के भंडार मामले में पहले स्थान पर है, लेकिन दुनिया के सभी देशों को देखें तो वो 18वें पायदान पर नजर आता है। ऐसे में अब नए भंडार मिलने के बाद उसकी रैंकिंग में सुधार आएगा। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने लिखा कि हम दुनिया के लिए निवेश के आशाजनक अवसर की संभावनाएं खोलने जा रहे हैं। तो विकीबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए विकीबी न्यूज। नमस्कार।